एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड्स आज हम एरा मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मतृभभूमि में एक खेत कलड़ का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैलबेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है लाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर का राजा गैलबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिन और इसे पुरुष के जॉन डेविस, विक गॉडफ्रे इसे एक एड एस्पीलेरस जेरमी आयरन सीएना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्शो गैरेट हैडलर जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर हीरो हीरा कुबो क्रिस लेबेजॉन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल इस प्रोडक्शन कंपनी एंटरटेनमेंट 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 ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी इसका रिलीज डेट है जिसका इसका बजट है हंड्रेड मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिसन टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर इस मूवी के के बारे में जान लेते हैं एक एरागोन के रूप में जैरमी लोहो के रूप में ब्रूम आरे के रूप में शियना ग्लोरी रॉबर्ट क्लाइल के रूप में राहेल विच सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में गैरट ग्रेग ग्रेकैरो के रूप में अलून और रो रोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन हॉस्टर के रूप में रिचर्ड रिफकिन रिफगिन रूप उलु, में स्टीवियंजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप में, जी, के जी, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइबल तो एंड द प्रिंट आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो तो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रैगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्ध करता होगा अपने और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताको तो से हार जाएंगे रोमांच के के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे के गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिखिला है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर राजा गैलबोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे प्रोड्यूस के जॉन डेविस विक गोडफ्रे इसे दिए एड एस्पीलेरस जैरमी आयरन सियना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जी उन्हें हॉर्सो गट हैडल जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर बर्टर मशह हिराकुबो क्रिस लेबेजॉन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियशन फिल्म पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट ट्वेंटी फॉक्स कांगडम बनी हुई फिल्म है जिसका लैंग्वेज है इंग्लिस है टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर टेलीफ्रेंट इस मूवी के काश के बारे में जान लेते हैं एक एरागोन के रूप में जेरमी लोहो के रूप में ब्रूम आरे के रूप में शियना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल डॉ के रूप में राहेल विच सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच के रूप गैलबोट्रिक्स मूर्दो के रूप में के रूप में अलून आमस्ट्रॉन्ग रोरोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन हॉस्टर के रूप में रिचर्ड रिफगिनो उलु, के रूप में एजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, कर दे इस वीडियो को लाइक कर दे प्लीज सब्सक्राइब एंड द प्रिंट कर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम एरा एरागोवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मतृभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अड्डा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने ब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने गुरु ब्रोम और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे के गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिखलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर का राजा गैलबरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं एरागोन मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग मेयर ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पॉलिनी और इसे पुरुष के जॉन डेविस, विक गॉडफ्रे इसे एक स्टारिंग इस एड एस्पीलेरस जैरमी आयरन सियना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्शो गैरेट हैडलर, जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर बर्ट हीरोबो क्रिस लेबेज़ोन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल ऐसे की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियन फिल्म पार्टनरब्यूटी सेंचुरी रिलीज डेट है जिसका लैंग्वेज है इंग्लिश बजट है डॉर और बॉक्स ऑफिसन टू हंड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं एक स्पिरले एरागोन के रूप में जैरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में शियेना ग्लोरी रॉबर्ट क्लाइल डोजेक के रूप में राहेल विच सफीर की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच रूप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में गैरेट हैंडलर ग्रे कैरो के रूप में अलून और रो रोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन के रूप में रिचर्ड रिफकिन लु, के रूप में एजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत कलड़ का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की धो लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी तो से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिखलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में ढकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक बार उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर का राजा गैलबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे प्रोड्यूस के जॉन डेविस विक गॉडफ्रे इसे एक एस एड एस्पीलेरस जैरमी आयरन सीएना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जी उन हॉर्सो गैरेट हैडलर जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनेटोग्राफी दी है हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर बर्टर मशह कुबो क्रिस लेबेजॉन इसे म्यूजिक दिए है पेट्रिका डायल इस प्रोडक्शन कंपनी एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियन फिल्म पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटीड किंगडम बनी हुई फिल्म है जिसका लैंग्वेज इंग्लिस है इसका बजट है डॉलर और बॉक्स ऑफिसन टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर टेलीफ्रेंट इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं एक स्पिरले एरागोन के रूप में जैरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में शियेना ग्लोरी रॉबर्ट क्लाइल के रूप में राहेल विच सफीरा की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में गैरट हैडल ग्रेकैरो के रूप में अलून और रोरोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन हॉस्टर के, के रूप में रिचर्ड रिफगिन एसोअन लु, के रूप में पियर्स एजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरो जीकेजी जी, रूप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत कलड़ का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की धो लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन कांडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उधार करता होगा अपने गुरु और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए बांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिखिला है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस प्रकार राजा गैलबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष की पुनर्जीवित करते हैं जो एक पूर्व ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं एरागोन मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फंतासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग मेयर ऐसे इसे, इसे स्क्रिप्ट पिले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पॉलिनी और इसे प्रोड्यूस के जॉन डेविस विक गॉडफ्रे इसे एक स्टारिंग इस दिए एड स्पिलर्स जेर्मी आयरन सीएना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्सो गैरेट हैडलर जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सीरियल मूवी दिए हुक जॉनसन और सेडिट के रोजर बार्टन मशहिरो हाँ हिरा कुबो क्रिस लेबेजोन ऐसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल ऐसे की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेनमेंट मेजर स्टूडियो पार्टनर इंजीनियन फिल्म पार्टनर एजिस्ट्रेट किए ट्वेल्व सेंचुरी फॉक्स इसका रिलीज डेट है फिफ्टीन दिसंबर टू इसका रेंट है वन मिनट ये यूनाइटेड बनी हुई यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है जिसका इंग्लिश बजट है, इसको है, $100 और है इस के के बारे में जान लेते हैं एक स्पिर एरागोन के रूप में जेरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में सियना ग्लोरी रॉबर्ट क्लाइल के रूप में राहल विचरा की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर्दो के रूप में गैरेट कैरो के रूप में अलून आमस्ट्रग रोरोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरोगर के रूप में डेजम हॉस्टर के, के रूप में रिचर्ड रिफगिन रूप रूप में रूप में के जॉर्ज स्टोन जी के जीरो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब एंड आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम एरा मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मृतभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथियों और अपने लोगों की धो लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने गुरु ब्रोम और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी तो से हार रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन हैचिक चिकलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवादी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक बार उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर गलबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिन और इसे पुरुष के जॉन डेविस विक गॉडफ्रे इसे एक इस एड एस्पीलरस जेरमी आयरन सीएना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन्हें हॉर्सो गैरेट हैडलर, जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर बर्टर मशीरोरा कुो क्रिस लेबेजन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल इस प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डेविडेनमेंट एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियशन फिल्म पार्टनरब्यूट किए ट्वेंटी इसका रिलीज डेट है इंग्लिश इस है बजट है हंड्रेड मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर काश के, के बारे में जान लेते हैं एक एरागोन के रूप में जेरमी लोहो के रूप में ब्रूम आरे के रूप में शियना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल के रूप में राहेल विच सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स रिक्स मूर्दो खो के रूप में ग्रेक के रूप में अलून आमस्ट्रॉन्ग रो के रूप में क्रिएश एगन गैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन हॉस्टर के रूप में रिचर्ड रिफकिन रिफगिन रूप में स्टीव एजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी जी, रूप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइबल एंड प्रिंट आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रैगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुर ब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए बांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है लाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस प्रकार राजा गैलबोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए है हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे प्रोड्यूस के जॉन डेविस, विक गॉडफ्रे इसे स्टारिंग दी एड एस्पीलेरस जैरमी आयरन सीएना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्सो गैरेट हैडल जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए है हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर हीरा कुबो क्रिस लेबेजोन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल इस प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट

टेलीफेंट इस मूवी के काश् के बारे में जान लेते हैं एक एरागोन के रूप में लोहो के रूप में ब्रूम, आरे के रूप में सियना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल के रूप में राहेल विच सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में ग्रेक के रूप में अलून आमस्ट्रॉग रो रोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन के रूप में रिचर्ड रिफगिन रूप में लु, स्टीवियो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप में जी, के जी, रूप, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइबल एंड द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम एरा मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मृतभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगर सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी योप और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थन नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने गुरु ब्रोम और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे के गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिकलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर का राजा गैलबरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं एरागोन मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए है हैं स्टीफन फॉग मेयर ऐसे इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बुकमैन मैन बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे प्रोड्यूस किया जॉन डेविस विक गॉडफ्रे फ्रे इसे एक स्टारिंग इस दिए एड एसपीलेरस जेरमी आयरन सिएना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्सो गैरेट हेडलर्ड जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच जिसे सीनेमाटोग्राफी दिए हुक जॉनसन और शेडिट के किए रॉजर बाटर मशहिरो हीरा कुबो क्रिस लेबेजोन ऐसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल ऐसे की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ड्यून एंटरटेनमेंट मेजर स्टूडियो पार्टनर इंजीनियन फिल्म पार्टनर एजिस्ट्रेट किए ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स इसका रिलीज डेट है फिफ्टीन दिसंबर टू इसका रिलीज वन हंड्रेड मिनट ये यूनाइटेड बनी हुई यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम बनी हुई फिल्म है जिसका टू हंडी पॉइंट फोर मिलियन के काश के बारे में जान लेते हैं एक स्पिर एरागोन के रूप में जेरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में शिये गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल डूरो के रूप में राहेल विज सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच, ग्रुप के रूप में गैरेट हैंडलर्ड, गैरट कैरो के रूप में अलून रोरोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजम हॉस्टर के, के रूप में रिचर्ड रिफगिन रूप में स्ट्यू सी पियर्स एजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन जीकेजी के जी रूप नो शूट आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब तो चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम एरा मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत कलड़ का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगर सवार था जिसने, जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी योप और अपने लोगों की धो लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन कांडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उधार करता होगा अपने और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे के गरीब परिवार के लिए बांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिखलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर का राजा गैलबोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे प्रोड्यूस के जॉन डेविस विक गॉडफ्रे इसे एक शरिंदी है एड एस्पीलरस जैरमी आयरन सीएना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जी उन हॉर्सो गैरेट हैडल जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर बॉटर मशह हीरोबो क्रिस लेबेजॉन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल इसी की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियन फिल्म ट्वेंटी सेंचुरी रिलीज डेट है फिल्म है जिसका लैंग्वेज है इंग्लिस बजट है डॉलर और बॉक्स ऑफिसन टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर टेलीफ्रेंट इस मूवी के काश् के बारे में जान लेते हैं एक स्पिरले एरागोन के रूप में जैरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में शियना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल के रूप में राहेल विच सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में ग्रेक के रूप है अलून आमस्ट्रॉन्ग रोरोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन के, के रूप में रिचर्ड रूप में पियर्स रिफगिनो लु, के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप, में, जी, के जी, रूप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन कांडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उधार करता होगा अपने गुरु और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है लाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवादी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस प्रकार राजा गैलबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रोड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए फ्रेंड्स कुछ डिटेल जान लेते हैं एरागोन मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फंतासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग मेयर ऐसे इसे, इसे स्क्रिप्ट पिले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे पुरुष के जॉन डेविस, विक गॉडफ्रे इसे एक एस एड एस्पीलेरस जेरमी आयरन सियना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन्हें हॉर्शो गैरेट हैडलर जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सीमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर हीरा हीरोबो क्रिस लेबेजोन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट

फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं एक एरागोन के रूप में जैरमी लोहो के रूप में ब्रूम आरे के रूप में शियना ग्लोरी रॉबर्ट क्लाइल के रूप में राहेल विच सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच के रूप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में ग्रेक के रूप में अलून और रोरोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन के, के रूप में रिचर्ड रिफकिन रिफगिनो लु, के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन रूप कैरोजीडा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मतृभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी और अपने लोगों की धो लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने ब्रोम और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिकिला है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार को उन लोगों की तरह एक 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 ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर गैलबोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे प्रोड्यूस के जॉन डेविस विक फ्रे इसे एक दिए एड एसपीलेरस जैरमी आयरन सीएना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्सो गैरेट हैडलर, जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर बर्टर मशह हीरोबो क्रिस लेबेजॉन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियन फिल्म पार्टनरब्यूट किए ट्वेंटी डेट है किंगडम बनी हुई फिल्म है जिसका लैंग्वेज है इंग्लिश बजट है डॉर और बॉक्स ऑफिसन टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर टेलीफ्रेंट इस मूवी के काश् के बारे में जान लेते हैं एक स्पिर एरागोन के रूप में जैरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में शियेना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल ड के रूप में राहेल विच सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच रूप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में गैरेट हैंडलर ग्रेग कैरो के रूप में अलून और रोरोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन के रूप में रिचर्ड रिचर्डन लु, रूप में एजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कूर ब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उधार करता होगा अपने गुरु ब्रोम और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए बांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिकिलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर का राजा गैलबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक पूर्व ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग फॉगमेयर इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे प्रोड्यूस किया जॉन डेविस विक गॉडफ्रे, गुर, फ्रे इसे एक स्टारिंग दिए एड एसपीलेरस जेरमी आयरन सीएना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्सो गैरेट हेडलर्ड जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सीनेमाटोग्राफी दिए हुक जॉनसन और इसे के किए रॉजर बर्टन मशहिरो हिरा कुबो क्रिस लेबेजोन ऐसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल ऐसे की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेनमेंट मेजर स्टूडियो पार्टनर इंजीनियन फिल्म पार्टनर एजिस्ट्रेट के ट्वेल्व ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स इसका रिलीज डेट है फिफ्टीन दिसंबर टू इसका रेंट है वन मिनट ये यूनाइटेड बनी हुई यूनाइटेड

की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर्द खो के रूप में गैरट हैडल ग्रेकैरो के रूप में अलून और रो रोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमन हाउस डेजमोन हॉस्टर के रूप में रिचर्ड रिचर्डन रूप में पियर्स स्टीवियंजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप में, जी, के जी, शूटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब तो एंड द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्रें हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मतृभभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने ब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैलबेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने ब्रोम और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिकलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर का राजा गैलबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे पुरुष के जॉन डेविस, विक गॉडफ्रे इसे एक एस दी एड एस्पीलेरस जेरमी आयरन सीएना लिगिलोरी, रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्शो गैरेट हैडलर जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर हीरो हीरा कुबो क्रिस लेबेजॉन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल इसकी प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियशन फिल्म पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी इसका रिलीज डेट है जिसका लैंग्वेज इंग्लिश बजट है डॉलर और बॉक्स ऑफिस है टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं एक स्पीरलेस एरागोन के रूप में जेरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में सियेना ग्लोरी रॉबर्ट क्लाइल डुरजैक के रूप में राहेल विच सफीरा की आवाज़ के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में गैरेट हैंडलर्ड ग्रेग कैरो के रूप में अलून आमस्ट्रांग रो रोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन हॉस्टर के रूप में रिचर्ड रिफगिन उलु, के रूप में स्टीव एंजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी जी, रूप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइबल एंड द प्रिंट आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत कलड़ का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रैगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की धो, लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन का अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्ध करता होगा अपने ब्रोम और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताको तो से हार जाएंगे रोमांच के के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे के गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है लाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस प्रकार राजा गैलबोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे प्रोड्यूस के जॉन डेविस विक गडफ्रे इसे एक एस एड एस्पीलेरस जैरमी आयरन सीएना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जी उन्हें हॉर्सो गट हैडल जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर हीरो हीरा कुबो क्रिस लेबेजोन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल इस प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट

चलिए फ्रेंड इस मूवी के काश के बारे में जान लेते हैं एक एक्सपीरियस एरागोन के रूप में जेरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में शियना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल डूरजैक के रूप में राहेल विच सफीरा की आवाज़ के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर दो के रूप में गैरेट हैंडलर्ड ग्रेक कैरो के रूप में अलून आमस्ट्रॉन्ग रो रोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन हॉस्टर के रूप में रिचर्ड रिफगिन एसोअन लु, के रूप में सी, पियर्स सीपियो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइबल एंड द प्रिंट कर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम एरा मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन कांडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैलबेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने गुरु और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे के गरीब परिवार के लिए बांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है खिलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर का राजा गैलबरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे पुरुष के जॉन डेविस, विक गॉडफ्रे इसे इस एड एस्पिल जेरमी आयरन सियना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्शो गैरेट हैडलर जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सोमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर बर्टर मशह हीरोबो क्रिस लेबेजोन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल ऐसे की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियन फिल्म पार्टनरब्यूटी सेंचुरी बनी हुई है, फिल्म है इंग्लिश बजट है डॉर और बॉक्स ऑफिसन टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं एक स्पिरले एरागोन के रूप में जैरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में शियेना ग्लोरी रॉबर्ट क्लाइल डोजेक के रूप में राहेल विच सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच रूप गैलबोट्रिक्स मूर्दो के रूप में ग्रेक के रूप में अलून और रोरोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन के हॉस्टर के रूप में रिचर्ड रिचर्डन लु, रूप में स्टू सी एजलो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम एरा मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मृतभूमि में एक खेत का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की धो, लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन अंडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताको तो से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिखलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में ढकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार को उन लोगों की तरह एक 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 ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर गलबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए है हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे प्रोड्यूस के जॉन डेविस विक गडफ्रे इसे एक एस एड एस्पीलस जैरमी आयरन सियना लिगिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्सो गैरेट हैडलर जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर बर्टर मशह कुबो क्रिस लेबेजॉन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल इस प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डी एंटरटेनमेंट ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियन फिल्म पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट किए ट्वेंटी इसका रिलीजेट है जिसका लैंग्वेज है इंग्लिश है इसका बजट है डॉलर और बॉक्स ऑफिस का टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर टेलीफोन इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं एक स्पिरले एरागोन के रूप में जैरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में शियना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल ड्रज के रूप में राहेल विच सफी की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में गैरट हैडल ग्रेकैरो के रूप में अलून आमस्ट्रॉन्ग रोरोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन हॉस्टर के रूप में रिचर्ड रिफगिन एसोअन के रूप में स्टीव सीपियो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप न आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब द एंड आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत कलड़ का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी यो और अपने लोगों की धो लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन कांडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वह लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उधार करता होगा अपने गुरु ब्रोम और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताकतों से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन है चिखिला है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवाणी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस प्रकार राजा गैलबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक पूर्व ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं एरागोन मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटास्टी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग मेयर ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे पुरुष के जॉन डेविस, विक गॉडफ्रे इसे इस दिए एड एस्पीलेरस जेरमी आयरन सिएना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम उन हॉर्शो गैरेट हैडलर, जॉर्ज स्टोन रेचल वाइज जॉन मालकोविच इसे सीनेटोग्राफी दिए हैं हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर बॉटन मशह हीरोबो क्रिस लेबेजॉन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल की प्रोडक्शन कंपनी डेविस एंटरटेनमेंट डेविडेनमेंट एंटरटेनमेंट

टेलीफेन इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं एक स्पिरलस एरागोन के रूप में जेरमी लोहो के रूप में ब्रूम आरए के रूप में शिएना ग्लोरी रॉबर्ट क्लाइल टूरोचक के रूप में राहेल विच सफिरा की आवाज के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट ट्रिक्स मुर्दो को के रूप में गैरेट हैंडलर ग्रेग गैरो के रूप में अलून आर्मस्ट्रांग रो रोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन के रूप में रिचर्ड रिचर्डन रूप में स्टीपियो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप में, जी, के जी, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब द एंड आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं अलागेशिया की अपनी मातृभूमि में एक खेत कलड़ का लड़का एक अजगर के अंडे पर होता है एक खोज जो उसे एक पूर्व निर्धारित यात्रा पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दुष्ट राजा के खिलाफ अपने घर की रक्षा कर सकता है अलागेशिया साम्राज्य पर दुष्ट राजा गैल बेटोरिक्स का शासन है जो एक पूर्व ड्रेगन सवार था जिसने सत्ता की तलाश में अपने साथी और अपने लोगों की लोगों को धोखा दे दिया था जब जब अनाथ खेत के लड़के एरागोन को राजकुमारी आर्य द्वारा भेजा गया एक नीला पत्थर मिलता है तो उसे जल्द ही पता चलता है कि यह एक ड्रैगन कांडा है जब ड्रैगन सफीरा का जन्म होता है तो एरागोन अपने कुरब्रोम से मिलता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी में ड्रैगन राइडर बन जाता है जो उसके लोगों को अत्याचारी गैल बेटोरिक्स से मुक्त कर दे कर देगा एरागोन विद्रोहियों वार्डन से मिलता है और साथ में वे स्वतंत्रता की यात्रा में दुष्ट जादूगर दुर्जा और गैलेबेटोरिक्स की सेना के खिलाफ लड़ते हैं अनाथ खेत के लड़के एरागोन भाग को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है जब एक रहस्यवादी पत्थर उसे अपने रखवाले के लिए चुनता है, है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है यह ड्रैगन रेस का अंतिम जीवित अंडा है एरागोन अब नया ड्रैगन राइडर है वो लड़का जो दुष्ट राजा गैलबेटोरिक्स और अब उसके दुष्ट जादूगर दुर्जा द्वारा शासित राज्य के दमित लोगों के लिए उद्धार करता होगा अपने गुरु ब्रोम और दयालु ड्रैगन सफीरा के साथ दौड़ते छिपते और लड़ते हुए सुंदर राजकुमारी आर्य के साथ ब्रदर्स का यह बैंड अपने बारे में उनकी जिम्मेदारियों और उनकी नियति के बारे में और अधिक सीखता है और अंत में कौन सफल होगा क्या अच्छाई बुराई पर विजय पाएगी या सभी हमेशा के लिए अंधेरी ताको तो से हार जाएंगे रोमांच के साथ उड़ो एरागोन नाम के एक लड़के की कहानी जंगल में एक पॉलिश किया हुआ नीला पत्थर पाता है सबसे पहले वह सोचता है कि यह एक भाग्यशाली खोज है कुछ ऐसा जो सर्दियों के लिए उसे गरीब परिवार के लिए मांस लाएगा इसके बजाय यह एक ड्रैगन हैचिक चिकलाता है और एरागोन को जल्द ही जादू की शक्ति की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिसके माध्यम से उसे एक और ड्रैगन को नेविगेट करना होगा भविष्यवादी के अनुसार एरागोन को उन लोगों की तरह एक ड्रैगन सवार होना तय है जो एक बार एक उदार राज्य की रक्षा करते हैं इस पर का राजा गैलबोरिक्स की सेना के खिलाफ एक प्राचीन संघर्ष पुनर्जीवित करते हैं जो एक प्रो ड्रैगन सवार था जो बुराई में बदल गया था अब एक काले जादू के साथ गठबंधन है चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं मूवी के बारे में एरागोन एरागोन 2006 की एक्शन फैंटासी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं स्टीफन फॉग ऐसे इसे, इसे स्क्रीन प्ले दिए पीटर बु, बुकमैन ऐसे बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर पोलिनी और इसे पुरुष के जॉन डेविस विक गॉडफ्रे इसे एक इस एड एस्पीलेरस जेरमी आयरन सीएना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल जिम हैडलर, जॉर्ज स्टोन, है वाइज जॉन मालकोविच इसे सिनमोटोग्राफी दिए है हुक जॉनसन और इसे एडिट किए रॉजर हीरा कुबो क्रिस लेबेज़ोन इसे म्यूजिक दिए हैं पेट्रिका डायल इसे प्रोडक्शन कंपनी एंटरटेनमेंट 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 ड्यून इंटरटेन मेजर स्टूडियो पार्टनर इंडियशियन फिल्म पार्टनर रूट किए ट्वेंटी इसका रिलीज है जिसका लैंग्वेज इंग्लिश बजट है डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फोर मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं एक स्पीरलेस एरागोन के रूप में जेरमी लोहो के रूप में ब्रूम आर्य के रूप में सियेना गिलोरी रॉबर्ट क्लाइल डूरजैक के रूप में राहेल विच सफीर की आवाज़ के रूप में जॉन मालकोविच ग्रुप गैलबोट्रिक्स मूर्दो खो के रूप में गैरेट हैंडलर्ड ग्रेक कैरो के रूप में अलून आमस्ट्रॉन्ग रो रोना के रूप में क्रिएश एगन कैरी लुइस हरो के रूप में डेजमोन हॉस्टर के रूप में रिचर्ड रिफकिन रिफगिन रूप लु, में स्टीव सीपियो के रूप में जॉर्ज स्टोन कैरोलाइन कैरोजी रूप, में, जी, के जी, रूप आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज सब्सक्राइब एंड आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो